सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वो युवाओं के एक करिश्माई प्रभावक थे और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना इना की स्थापना और नेतृत्व करके उन्होंने नेताजी की उपाधि अर्जित की। हालांकि शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया था, लेकिन विचारधारा में अंतर के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नाजी नेतृत्व और जापान में शाही सेना से सहायता मांगी। 1945 के बाद उनके अचानक लापता होने के कारण उनके जीवित रहने की संभावनाओं से संबंधित विभिन्न सिद्धांत सामने आए। बचपन और प्रारंभिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। सुभाष 8 भाइयों और 6 बहनों में 9वें बच्चे थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक समृद्ध और सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। बाद में वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। सुभाष चंद्र बोस मेधावी छात्र थे। उन्होंने बीए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। एक घटना में जहां बोस ने अपने नस्लवादी टिप्पणी के लिए अपने प्रोफेसर ईएफ ओटेन की पिटाई की, सरकार की नजरों में उन्हें एक विद्रोही भारतीय के रूप में बदनाम किया। उनके पिता चाहते थे कि नेताजी एक सिविल सेवक बने और इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बोस अंग्रेजी में उच्चतम अंकों के साथ 4थे स्थान पर रहे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का उनका आग्रह तीव्र था और अप्रैल 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा को चिन्हित करने के लिए समारोह का बहिष्कार करने के लिए बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। बर्लिन में रहने के दौरान उनकी मुलाकात ऑस्ट्रियाई मूल की एमिली शिंकल से हुई और उन्हें प्यार हो गया। बोस और एमिली की शादी 1937 में एक गुप्त हिंदू समारोह में हुई थी और एमिली ने 1942 में एक बेटी अनीता को जन्म दिया। अपनी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद बोस 1943 में भारत वापस आने के लिए जर्मनी से चले गए। राजनीतिक करियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संघ प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य चितरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। ये चितरंजन दास ही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस छोड़ दी और 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। बोस ने चितरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने स्वयं अखबार स्वराज शुरू किया, दास के अखबार फॉरवर्ड का संपादन किया और मेयर के रूप में दास के कार्यकाल में कलकत्ता नगर निगम के सीईओ के रूप में काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के छात्रों युवाओं और मजदूरों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को एक स्वतंत्र संघीय और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने के अपने उत्कट इंतजार में वो एक करिश्माई और तेज तर्रार युवा आइकन के रूप में उभरे। संगठन विकास में उनकी महान क्षमता के लिए कांग्रेस के भीतर उनकी प्रशंसा की गई। उन्होंने इस दौरान अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जेल में कई बार सेवा की। कांग्रेस से विवाद। 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के पुराने और नए सदस्यों के बीच मतभेद सामने आया। युवा नेता पूर्ण स्वशासन और बिना किसी समझौते के चाहते थे, जबकि वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के पक्ष में थे।
नरमपंथी गांधी और आक्रामक सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद असहनीय अनुपात में बढ़ गए और बोस ने 1939 में पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हालांकि उन्होंने अपने पत्राचारों में अक्सर अंग्रेजों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की, उन्होंने उनके संरचित जीवन के लिए अपनी प्रशंसा भी व्यक्त की। उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और क्लेमेंट एटली, हेरोल्ड लास्की, JBS सहित राजनीतिक विचारकों से मुलाकात की। हाल्डन, आर्थर ग्रीनवुड, GDH कोल और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और उन संभावनाओं पर चर्चा की जो एक स्वतंत्र भारत में हो सकती हैं। INA का गठन बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के कांग्रेस के फैसले का जोरदार विरोध किया। एक जन आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से बोस ने भारतीयों को उनकी पूरे दिल से भागीदारी के लिए बुलाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के आह्वान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों ने तुरंत उन्हें कैद कर लिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अधिकारियों ने हिंसक प्रतिक्रियाओं के डर से उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। जनवरी 1941 में सुभाष ने एक सुनियोजित पलायन किया और पेशावर के रास्ते एक चक्कर लगाते हुए बर्लिन, जर्मनी पहुंचे। जर्मनों ने उन्हें अपने प्रयासों में अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और उन्होंने जापान के प्रति भी निष्ठा प्राप्त की। उन्होंने पूर्व की ओर एक खतरनाक यात्रा की और जापान पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से भर्ती किए गए 40,000 से अधिक सैनिकों की कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना INA कहा और अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा करने के लिए इसका नेतृत्व किया और इसे शहीद और स्वराज द्वीप समूह के रूप में फिर से शुरू किया। एक अनंतिम आजाद हिंद सरकार ने कब्जे वाले क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। INA या आजाद हिंद फौज भारत के लिए खड़ी थी और बर्मा सीमा पार कर गई और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से विश्व युद्ध का ज्वार बदल गया और जापानी और जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। मौत पीछे हटने के तुरंत बाद नेताजी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वो वापस सिंगापुर गए और दक्षिण पूर्व एशिया में सभी सैन्य अभियानों के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसाची तेराची से मिले, जिन्होंने उनके लिए टोक्यो की उड़ान की व्यवस्था की। वो 17 अगस्त 1945 को साइगोन हवाई अड्डे से एक मित्सुबिशी की -21 भारी बमवर्षक में सवार हुआ। अगले दिन ताइवान में एक रात रुकने के बाद बमवर्षक टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट है कि बोस इस प्रक्रिया में तीव्र थर्ड डिग्री जले हुए थे। 18 अगस्त 1945 को उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। 20 अगस्त को ताइहोकु शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को टोक्यो में निचरेन बौद्ध धर्म के रेंकजी मंदिर में आराम करने के लिए रखा गया। उसके शरीर को कभी नहीं देखा, न ही उन्होंने उसकी चोटों की कोई तस्वीर देखी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका नायक मर चुका है और उम्मीद है कि वह ब्रिटिश अमेरिकी बलों द्वारा पता लगाने से बच गए। उन्हें पूरे मन से विश्वास था कि नेताजी बस कुछ ही समय की बात है कि वे अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे और दिल्ली की